नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। चामठड़ गांव में मोबाइल टावर की मंजूरी को लेकर गांव वालों ने विजयनगर तहसीलदार को एक आवेदन पत्र सौंपा है, देखिए। चामठड़ गांव को किसी भी तरह के मोबाइल टावर या टेलीफोन सुविधा या इंटरनेट से वंचित रखा गया है। ये गांव अंतर्देशीय और पहाड़ी क्षेत्र है। कोविड-19 की वर्तमान महामारी में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार घर पर टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट पर शिक्षा दी जा रही है। सरकार की कोई इंटरनेट सुविधा न होने के कारण गाँव के लोगों को राशन कार्ड के कूपन और बेरोजगारों के ऑनलाइन आवेदन करने और ऐसी कई ऑनलाइन सुविधा प्राप्त करने के लिए 7 से 8 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। 108 आपातकालीन सेवाओं से वंचित रह गया है। इन सभी सुविधाओं के लिए चामठड़ गांव वालों ने विजयनगर तहसीलदार कार्यालय में जाकर तहसीलदार PG चौहान को आवेदन पत्र सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। विजयनगर तालुका नु मारू चामठड़ गांव अंतरियाल विस्तार में आवेलू छे। अत्यारे सरकार की कोरोना महामारी ना कारणे शिक्षण थी अमारा बाळको वंचित रहे छे, જેથી અમને ઇન્ટરનેટનો આવો કોઈ લાભ મળતો નથી। બેરોજગારને ફોર્મ ભરવું હોય તો 7 કિલોમીટર દૂર જવું પડે છે, જેથી અમે આજે મામલતદારશ્રીને વિજયનગર આવેદનપત્ર આપીએ છીએ, જેથી અમારું કામ સરકારથી ધ્યાનમાં લે અને સત્વરે અમારું કામ થાય એવી અમારી ગ્રામજનોની વિનંતી છે। કેટલા સમયથી આ તકલીફ પડી રહી છે આપને? જે સાહેબ, ભારત દિશા જશે ત્યાંથી શું મામલાને રજૂઆત કરવામાં આવી આપને? અમારે ઇન્ટરનેટની સેવા જોઈએ છે, મોબાઈલ ટાવર।